हेलो एवरीवन, ये टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट 8 है। इससे पहले आप 7 टेस्ट को हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे टीमों द्वारा लाया गया है, आप इस क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। आगे किस तरह का क्वेश्चंस इसमें ऐड किया गया है, इसमें जुड़ने का सिंपल प्रोसेस है। आप 7654197532 व्हाट्सएप नंबर पर आपको टेस्ट ज्वाइन लिखकर केवल मैसेज सेंड करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर टेस्ट ज्वाइन लिख करके आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 100 रुपया पेमेंट करने के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाया गया है, आप कहीं भी टेस्ट ज्वाइन किए हैं इसे कोई कारण नहीं बनता। अभी टेस्ट जिस तरह से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट बढ़ा दिया है, आपके पास अवसर है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। ये अगर 7500 टेस्ट करके जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अन्य विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, एहुम जो था उनके सहयोग से किया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मेन ध्येय था वो उसको लेकर के और उसके कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी विवादपूर्ण जो है वो बीच बीच में इसके प्रति मिलते रहा, विचार को व्यक्त करते रहा। और ये केवल एक ही तरफ से नहीं हो रहा था, सभी तरफ से हो रहा था। आप देख सकते हैं अंग्रेज़ भी इन पे कई बार इनको आलोचना करते थे और कई बार इन पे कई सारे दोष लगाते थे, जैसे कि अल्प बहुमत इसको कहा जाता था, देशद्रोह, ये विद्रोही संस्था कहा जाता था। इस तरह से इसको कई सारे नाम दिया गया। इसी तरह जो है कई राष्ट्रीय आंदोलन में संतुष्ट जो लोग प्रथमतः इसको तो सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में क्या हो गया, इससे संतुष्ट होने लगे, क्योंकि जिस तरह से इनके क्रियाकलाप थे तो उसको लेकर के, जिसके चलते जो है इस पे अनुनय विनय का आरोप भी लगा कि ये केवल अनुनय विनय करना जानती है ये संस्था। इसके अलावा इस संस्था को लेकर के यह भी बताया गया कि ये 3 दिन का नौटंकी करता है। 3 दिन का नौटंकी इसलिए क्योंकि ये साल में केवल 3 दिन इनके ये सम्मेलन हुआ करते थे। तो इस तरह से कांग्रेस पे कई सारे आरोप लगाया गया, डफरिन के द्वारा भी लगाया गया, अल्पसंख्यक कहा गया इन संस्थाओं को। तो आप इस तरह से मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा ग्रेजुएशन जो है ये पटना कॉलेज से हुआ है, बीए पटना कॉलेज से, और एमए जो हुआ है, पीजी जिसको कहते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। काफ़ी इस पर मेरा काम है ये हिस्ट्री को लेकर के, और मेरा 64वीं बीपीएससी मेंस में रिजल्ट हुआ था। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जब पीटी के बाद होगा तो पहले भी हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया जाएगा और काफ़ी रुचिपूर्ण क्लास होगा, आप देखिएगा। लेकिन यहाँ हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे प्रत्येक क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए इसमें शॉर्ट बताते चले जाएंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, इसमें विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, किनको माना था? ये मैजनी को राजनीतिक गुरु माना गया था। मैजनी कहाँ के थे? इटली के थे, यंग इंडिया के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। सबसे पहले जब ब्रिस्टेंट चिरोल जो है उन्होंने बुक लिखा तो उसमें इनको अशांति के रूप में दिखाया, ये बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में मेरी दिलचस्पी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर द्वारा किया गया था। मैक्स मुलर के बारे में आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। ये वैसे जर्मनी के साथ थे और विद्वान थे, ये ब्रिटिश कंपनी में ये अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और इनका ऊपर इनका काफ़ी रिसर्च है। नेक्स्ट है, 1708 ईस्वी में 6 वर्ष कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र में गणपति का पर्व का श्री गणेश किया गया था किनके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को कंधा दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, शौकत अली द्वारा कंधा दिया गया था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है? तो ये महदहा से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी जो है वहाँ भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा अनाज था? तो सर्वप्रथम जो है वो जो प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मेहरगढ़ जो है वो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, सी हो जाएगा आंसर इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता कमेटी जो था इनके द्वारा न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया गया था, अशोक मेहता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वह स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता सार्वजनिक स्वास्थ्य, बाकी स्वच्छता भी आता है, अभिखनन भी, लौह अयस्क भी है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली जैसा कि राज सूची के अंतर्गत है, ये राज सूची के अंतर्गत, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा आपका बिहार किया गया है, बिहार द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, आप जानते हैं धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को कोई पावर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन है, ये संघीय प्रकृति है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, ये उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, भारत प्रधान का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये लोकसभा के प्रति भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह है। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या चाहिए? ये 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु, एक स्टूडेंट मैसेज किया था कि 25 नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोकसभा के लिए 25 चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, इसमें न्यूनतम पूछा गया है कम से कम, तो अगर आप 25 वर्ष आपका हो जाता है तो आप योग्य हो जाते हैं, तो इस तरह से इसमें न्यूनतम आयु पूछा गया, इसलिए सी हो जाएगा आंसर, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? मंगोलियाड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक संख्या कौन सी जनजाति पाई जाती है? आप देख लीजिएगा इसको, भील आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर इसका, डी है, ये जनगणना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह कहाँ है? तो ये असम का हुलाक गोबन गिबन जो है वो एकमात्र भारत का मानव कपि वहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, हरियाणा में जो है जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो ये थारू जनजाति जो है 28 का डी हो जाएगा, थारू जनजाति जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किया करते हैं कौन सा ये भुटिया जो है ऋतु प्रवास किया करते हैं? आप कहानी में पढ़े होंगे, 6-7 में भी भुटिया के बारे में पहले क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वो कहाँ है? गोपालगंज में थावे का तीर्थस्थल स्थित है। नेक्स्ट है, टोडा ये एक जनजाति है, ये कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में जो है टोडा है, टोडा निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो ये टोडा जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। नेक्स्ट है, नेपाल नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, ये नेपाल नगर जो है मूल रूप से अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, सबसे महत्वपूर्ण भारत में जो है सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन कहाँ से किया जाता है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये अपतटीय जो कहा जाता है वहाँ सर्वाधिक मत्स्य उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, हाल उत्पादन से संबंधित है, ये हाल जो है ये बायोमास उत्पादन से संबंधित है, HAL, ये
ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल एक उपकरण है जो संलग्न है, किसमें है ऑयल उपकरण जो संलग्न है, तो ये तेल अनुसंधान क्षेत्र में संलग्न है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो एक सेकेंड योजना के अंतर्गत किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यम समिति संबंधित है, सत्यम समिति किससे संबंधित है, तो ये वस्त्र नीति से संबंधित है, सत्यम समिति वस्त्र नीति से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो ये मीरा सेठ जो है हथकरघा के विकास से संबंधित है, ये हो जाएगा आंसर आपका 39 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भारत की सहकारी सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापारिक संस्था है, तो ये खनिज एवं धातु आयोग जो है, खनिज एवं धातु आयोग बी हो जाएगा आंसर, ये सबसे बड़ा व्यापारिक संस्था है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यस्क मनुष्य में रक्त का कुल माप कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सिलाई मशीन 7% बिक्री कर सहित इतना रुपया में मिलता है, यदि बिक्री कर बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, तो ये कौन सा आंसर पूछ होगा, 42 का आंसर आपका मैथ से है, इसको आप बना सकते हैं, 42 का आपका वैसे बी हो जाएगा आंसर, ये बी 1430 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ने एक व्यापार शुरू किया, यदि ए की पूंजी 3 गुनी, बी की पूंजी 3 गुनी 8, बी पूंजी 2 गुनी एवं सी की पूंजी 2/3 गुनी बराबर है, तो ABC अनुपात पूछ रहा है कौन सा होगा, ये 43 का आंसर आपका हो जाएगा डी, इसमें 293 हो जाएगा, 43 का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वरूप वह संख्या क्या आएगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 44 का डी आंसर हो जाएगा इसमें, 70 आप जोड़ के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 गुना, ये क्वेश्चन जो है ये 40 गुना 12+3 -% 60%, ये थोड़ा अल्टर लिखा गया है, तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, 45 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, मतलब ये आंसर, इसका आंसर, ये क्वेश्चन ही गलत है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। मैथ्स में आप ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन ना बने उसको उसमें फंसना नहीं है, केवल 10 मैथ्स पूछा जाता है, आपको एक क्वेश्चन गलत दे दिया जाता है ताकि आप उसमें उलझे, आपका टाइम समाप्त हो। नेक्स्ट है, यदि AB 3:4 तो इतना इतना कितना हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है, 46 का आंसर बी हो जाएगा आपका, 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें मान बैठाना है, सिंपल है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, यदि उनमें 9 जोड़ जाए तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं, संख्या कौन सा है, 47 का आपका बी हो जाएगा आंसर, ये 78 आंसर हो जाएगा, आप इसमें 78 में 9 जोड़िए 87 हो जाएगा, इस तरह से ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न केवल पीटी बल्कि मेंस के लिए भी, BPSC मेंस में भी आज़ाद दस्ता से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे, तो ये जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, तो ये वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय नीति निर्धारित किया जाता है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है किसका, तो ये सरकार की राजकोषीय नीति का, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री का एक विभाग नहीं है, तो वित्त मंत्री के 5 विभाग है, व्यय विभाग भी है, राजस्व भी है, मामला वित्त मामला का विभाग, यहाँ वित्त छूट गया है, और इस तरह से बैंकिंग विभाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉल दौरे जो थे व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये पते के लिए नहीं किया जा सकता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजना व्यय में सबसे बड़ी मद है, आप जानते हैं काफ़ी जी है, ब्याज का भुगतान कई बार पूछा गया है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधक के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल का हिमरोध के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, परमसून ताप क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप ये होता है, 173 के कितना होता है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है, गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, तो पदार्थ का घनत्व घटा देता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, जब गर्म किया जाएगा तो आयतन बढ़ जाएगा, जिसके चलते ये हो जाएगा घट जाएगा घनत्व। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, थर्मोस्टेट जो है तापमान को स्थिर रखता है, इसलिए इसको थर्मोस्टेट नाम ही रखा गया है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, किसी निकाय का ताप कर्व स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन क्या है? ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन 61 का बी हो जाएगा आपका आंसर, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? 62 का आंसर, 62 का सी आंसर हो जाएगा आपका, एक समान तापक्रम को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीन के उपयोग में स्नेह कौन काम करता है? तो ये ग्रेफाइट जो है, ये भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह का काम 63 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ये ग्रेफाइट जो है स्नेह का काम करता है, ग्रेनाइट धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना है? तो 11.11 भारत के अनुसार अगर पूछे तो। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये पानी बनेगा, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो मंदक है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो EDUHUB-PSC जो है भारी पानी की खोज की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जल के लिए पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 के बराबर होता है, मतलब उदासीन होता है। नेक्स्ट है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि ये UPSC में पूछा गया था, ये दो बी हो जाएगा आंसर, द्विध्रुवी है, उसका द्विध्रुव होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार का UPSC में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो ये एजोला जो है वो जैव उर्वरक का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो बायोटेक जैव कीटनाशक नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नील हरित शैवाल ये जैव है, क्रायोसोमा महानियंत्रक बायो902 जो है ये सरसों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला है क्या है? तो ये एजोला एक तरह से 72 का आंसर आपका हो जाएगा, ये जलीय फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24D क्या है? तो 24D एक खर पतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है, नाभिक के अलावा। 74 का डी हो जाएगा आंसर, 74 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये राइजोबियम जैपोनिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में? तो इस तरह से ये 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77 जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ? तो 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो ये कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहिता है? तो ये अंडाशय हो जाएगा इसमें आंसर, ये कोशिकाओं में बात कर रहा है। वैसे ये जीव में जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पित्तपिंड जो है पित्ताशय में पाया जाता है, और ये अगर कोशिका की संहिता पूछे तो अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में से किसका समानतः सबसे कम खेल समय है? तो ये कबड्डी का सबसे कम खेल समय है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समय अवधि कितनी होती है? तो 1.5 घंटा 37-90 मिनट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी खो खो में होते हैं, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ था? तो ये 85 का आंसर आपका हो जाएगा डी, वॉलीबॉल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, रेडियो में SW का अर्थ क्या है? तो ये शॉर्ट वेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन से अभिप्राय क्या है? तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 1971 के दिन, जब ये 1971 में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी बेड़ा पे जो नौसेना जो है वो कब्जा कर लिया था, इसी के याद मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 91 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था पूर्ण रूप से। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो ये गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ही सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस परगना का स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में
स्वतंत्र घोषित किया, ये कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, जानते हैं वीर कुंवर सिंह का नाम। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे, तो कोई नहीं, डी हो जाएगा आंसर, एक भी नहीं चुना गया था। नेक्स्ट है बिहार के मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बिहार में मुख्य रूप से, तो ये विदेशिया जो है बिहार का है, गरबा जो है गुजरात का है, बिहू असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था, तो ये पटना में 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गौ हेतु गौ सभाएं कब स्थापित की गई, तो 1893 में जो है गौ सभाएं स्थापित की गई थी, या साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है, तो ये पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बिहार 2020 लोकतंत्र सूचकांक, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में दो स्थान फिसल गया, किस स्थान पर पहुंच गया है, तो 53वें स्थान पर पहुंच गया है, सॉरी ऊपर में भारत होगा, भारत 2020 रैंकिंग सूचकांक में। नेक्स्ट है भारत मुख्यवाद महासंघ के चुनाव में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है, ये 103 का आंसर आपका, 103 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये अजय, ये अजय सिंह हो जाएंगे, तीन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा प्रदान किया है, तो ब्रिटेन द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बाघाई बिली मोड़ा के बीच 107 साल पुरानी नैनो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गुजरात हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू हुआ, तो ये अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में, तो 107 का बी हो जाएगा, जीएस बेदी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाले कंपनी डफ एंड फेल्पस की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 108 का ए आंसर हो जाएगा, विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये द्विजेंद्र नारायण झा हो जाएगा, जिसको डीएन झा भी कहा जाता है, काफ़ी फेमस इनके बुक सब है, पढ़िएगा इतिहास को लेकर के, एंशेंट हिस्ट्री को लेकर के। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना का पर एकीकृत पोर्टल शुरू किया, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गोवर्धन योजना पर पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति के द्विवार्षिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, तो ये 4% पे ही बरकरार रखा है, डी हो जाएगा आंसर इसका, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट से कितने साल के लिए बढ़ा दी है, तो ये 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, अमेरिका और ये सॉरी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है इस संधि को, 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है, तो पाकिस्तान हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है, तो ये 2030 तक घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है, 115 का आंसर सी हो जाएगा आपका, ये 50वें स्थान पर है, 115 का सी 50वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 निम्नों से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये चीन द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपये की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है, 117 का बी हो जाएगा, 4700 करोड़ रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 118 का ए हो जाएगा, ओडिशा के 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये विश्व व्यापार संगठन के
नगोजी को 119 का डी विश्व व्यापार संगठन का चुना गया है, नाइजीरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किया है। 120 का बी हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। तो 121 का सी हो जाएगा 400 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन पर 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अन पिछड़ा वर्ग के उपश्रेणीकरण पर अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हैं। तो रोहिणी आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है। 123 का सी हो जाएगा आपका आंसर। 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। 124 का ए हो जाएगा आपका राजीव कपूर का, केवल 58 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है। 125 का सी हो जाएगा, वह NGC द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, रंग विदूषक के किस संस्थान और थिएटर निदेशक का हाल ही में निधन हो गया। 126 का सी हो जाएगा आपका बंसी कॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 127, भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है। तो हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। तो ये अमेरिका द्वारा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। 129 का ये हो जाएगा, दिल्ली द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है। तो आप जानते हैं चमोली कहाँ है, उत्तराखंड में है, काफ़ी फेमस जिला है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने USA के दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उनके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है। तो कौन दे सकता है, तो चीनी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने मोना पक्षी के करगे को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 133, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। तो ये सुशील कुमार और साक्षी मलिक को जो है वार्षिक से बाहर कर दिया गया है। 134 है, कांग्रेस पार्टी के ने राज्यसभा के में गुलाम नबी आज़ाद की जगह निम्न में से किस नेता को पार्टी नेता बनाने का आवेदन दिया है। 134 का डी हो जाएगा आपका, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य का 31वां जिला कौन सा बन गया है। तो ये विजयनगर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान 93वां मंगल की कक्षा में है। तो ये चीन द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। 137 का बी हो जाएगा आंसर आपका, 100 मिलियन के डॉलर का निवेश करने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 138 का सी हो जाएगा भारत द्वारा, पाकिस्तान 100 मैच T20 में जीती दर्ज किया है, प्रथम टीम बन गया है टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने परिवर्तन पेंशन दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। 139 का ये हो जाएगा, 1.25 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। 140 का सी हो जाएगा, HDFC द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक का शुरुआत किया है। तो न्यूजीलैंड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। तो ये अफगानिस्तान में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। 143 का सी हो जाएगा आंसर आपका, अक्षय कुमार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है। तो सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म ये मध्य प्रदेश में खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डकैत संग्रहालय खोलने की घोषणा किया गया है। तो ये भी मध्य प्रदेश में खोलने की घोषणा किया गया है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है, सी हो जाएगा आंसर आपका, 146 का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? अल सल्वाडोर को किया गया, बी हो जाएगा। लाइट हाउस परियोजना उसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने का, VVI में इसको रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, भारत सरकार द्वारा COVID-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन है तो किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कोविन को लॉन्च किया गया है, ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो ये ताइवान का फ्रीडम पैन एप्पल अभियान जो है चर्चा में रहा है। इस तरह से आप चैनल को ज्वाइन कर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे ये टेलीग्राम ज्वाइन को चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेस्ट सीरीज को आवास निश्चित से निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।